सेवाएं भौतिक परिवर्तन परिवर्ती है। जिस प्रकार जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और बर्फ पुनः जल में। परिवर्ती किसे कहते हैं दीदी? भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसे परिवर्ती कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ का रंग, आकार और स्थिति बदल सकती है। जैसे गुथे हुए आटे से बॉल और फिर उसको चपटा करके रोटियां बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस बर्फ को ही देखो, बर्फ पिघलकर पानी में परिवर्तित हो रही है और यह पानी पुनः ठंडा करने पर बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बिल्कुल, भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान में भी कोई बदलाव नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में वस्तुओं के गुणधर्मों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल में नमक मिलाने पर भी द्रव्यमान समान रहता है। हाँ, और भौतिक परिवर्तन में ज़्यादातर परिवर्तन अस्थायी ही होते हैं। दीदी देखो, सारा बर्फ पिघल गया और जल में परिवर्तित हो गया है। शिवाय आओ भौतिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण भी देखें, जैसे कि लकड़ी का छोटे टुकड़ों में काटना, जल को ठंडा करके बर्फ में परिवर्तित करना, फलों को टुकड़ों में काटना। इन सभी में पदार्थ की अवस्था वही की वही रहती है। रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में तुमने देखा कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आओ किचन में देखते हैं मम्मी क्या बना रही हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है शिवाय। मम्मी ये आप क्या बना रही हैं? मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ। अरे वाह दीदी, तुमने बताया कि गुथे हुए आटे से बॉल बनाना भौतिक परिवर्तन है। क्या हम इस सिकी हुई रोटी से वापस आटा बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह स्थायी व अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। और आटे से रोटी बनाकर जब हम तवे पर इसे सेकते हैं तो ऊष्मा के कारण इसमें प्रतिक्रिया होती है और एक नया पदार्थ बनता है जो कि रोटी होती है। हाँ, और इसमें रासायनिक क्रियाएं होने के कारण इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। शिवाय तुम्हारे सामने जो मोमबत्ती जल रही है, इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दीदी, मोमबत्ती में मोम पिघल रहा है और यह छोटी होती जा रही है। कुछ और उदाहरण भी बताओ दीदी। शिवाय लकड़ी का जलना, कागज का जलना, कोयले का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पटाखों का जलना कौन सा परिवर्तन होता है दीदी? उनमें से तो बहुत तेज आवाज़ भी आती है धमाके के साथ। शिवाय पटाखों का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पटाखों में रसायन होते हैं और जब हम उन्हें जलाते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसी कारण उनमें धमाका होता है। शिवाय तुमने देखा होगा, ब्रेड में जब फफूंद लग जाता है तो उसके रंग में और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। यह भी रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, क्योंकि यह स्थायी परिवर्तन होता है। दीदी तुमने बहुत अच्छा समझाया।